आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों को जीवन में क्यों मिलते हैं दुख। तो आज मैं आपको ऐसे 5 कारण बताने जा रही हूँ जो सिंह राशि वालों के लिए समस्या की जड़ बताया गया है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह 5 कारण जिनके कारण सिंह राशि वालों को जीवन में करना पड़ता है समस्याओं का सामना। तो सबसे पहला कारण जिसे बताया गया है आपके लिए समस्याओं की जड़, वह है आपका क्रोध। जी हाँ, आप अपने क्रोध के चलते आप जीवन में बहुत से ऐसे कार्य कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको जीवन में करना पड़ता है समस्याओं का सामना। यह बात भी अपने आप में एक सत्य है कि आपका क्रोध बहुत ही क्षण मात्र का होता है, किंतु क्षण मात्र के क्रोध के अंदर ही आप कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनकी वजह से आप गुप्त और उजागर शत्रु अपने जीवन के अंदर पैदा कर लेते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने क्रोध के ऊपर संयम रखें। दूसरी समस्या की जड़ जो कि सिंह राशि वालों के लिए बताई गई है वह है दोस्तों स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना। जी हाँ, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने का भी अवगुण आप लोगों के अंदर देखा जाता है। चाहे कितना भी कोई ज्ञानी व्यक्ति आपको सलाह क्यों न दे रहा हो, आप करते वही हैं जो आपका मन कहता है और परिणाम स्वरूप कई बार आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए समस्याओं का कारण बन बैठता है। तीसरी समस्या का कारण जो कि आपके लिए शास्त्रों में बताया गया है वह है दोस्तों आपकी क्रूर वाणी। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को अपनी क्रूर वाणी के चलते आप जो भी मुंह में आए बोल बैठते हैं। और दोस्तों आप भली भांति जानते हैं कि शब्दकोश और वाणी के अंदर इतना बल है जो पल भर में किसी को अपना बना ले और वहीं दूसरी तरफ पल भर में अपनों को पराया बना दे। यह जानने के पश्चात भी आप अपनी क्रोधित वाणी के अंदर नियंत्रित नहीं कर पाते और जीवन में करना पड़ता है आपको समस्याओं का सामना। चौथी समस्या का कारण जो कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए बताया गया है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, ये बात हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत ही आवश्यक है, किंतु ओवर कॉन्फिडेंट होना सदैव हानिकारक होता है और वही गलती अक्सर आप करते हुए पाए जाते हैं। सदैव अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंट के चलते आप बड़े बड़े फैसले ले बैठते हैं जो कई बार आपके लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं और फिर करना पड़ता है आपको समस्याओं का सामना। और अंतिम स्थिति के बारे में बताया गया है लोगों के प्रति हास्यप्रद स्थितियां बनाना। जी हाँ, एक और स्थिति जो कि अक्सर सिंह राशि वाले जातकों के अंदर देखी जाती है वह लोगों की अच्छाइयां ढूंढने से ज्यादा लोगों की बुराइयां ढूंढने में रुचि रखते हैं और फिर सामने वाले व्यक्ति की कमी और बुराइयां देखकर उनका मजाक बनाने लगते हैं। किंतु दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि हास्यप्रद स्थितियों के चलते लोग आपसे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और जब आपको लोगों की आवश्यकता होती है तो वो लोग आपकी सहायता करने के लिए एकाएक सामने नहीं आते और आपको जीवन में करना पड़ता है समस्याओं का सामना। तो दोस्तों यह तो हुई वह बात जिसे आप स्वयं भी जानते हैं और आपके मन में एक बात तो जरूर आई होगी कि ये सभी बातें तो हम जानते ही हैं। तो दोस्तों एक कहावत तो आपने कभी न कभी सुनी ही होगी कि होवत वही जो राम रचित राखा, अर्थात होता वही है जो प्रभु ने हमारी किस्मत में लिख दिया। किंतु यदि ये कहावत सत्य है तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर यह क्यों कह दिया कि व्यक्ति अपने कर्म दक्षता के दम पर अपने भाग्य और अपनी किस्मत को बदल सकता है। और यह बात अपने आप में कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि इस सृष्टि के ऊपर समस्त प्रकार के जीव और निर्जीव वस्तु के अंदर मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे सही गलत का ज्ञान है। वह चाहे तो अपनी गतिविधियों के अंदर परिवर्तन ला सकता है। अक्सर मैंने बहुत बार सिंह राशि के जातकों को कहते हुए सुना है कि मैं चाहता तो हूँ कि मुझे क्रोध ना आए, किंतु फिर भी आ जाता है। मैं चाहता तो हूँ कि किसी व्यक्ति के साथ क्रूर वाणी का प्रयोग ना करूँ, किंतु हो जाता है। तो दोस्तों ये मेंटेलिटी आपने फिक्स कर ली है कि मैं चाहता हूँ किंतु कर नहीं पाता। तो दोस्तों यदि आप अपने आप से संकल्प करें कि आज के पश्चात इन सभी गलत स्थितियों को मैं अपने जीवन से दूर कर दूंगा, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, कभी भी क्रूर वाणी का प्रयोग नहीं करूंगा, अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते किसी भी व्यक्ति को कम नहीं आंकूंगा, किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। दोस्तों ये सुनने में थोड़ा कठिन अवश्य हो सकता है, तो दोस्तों आपके अंदर वो शक्ति है जिसे जानकर आप स्वयं को और अपने स्वयं के आसपास के वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं, अपने परिवार को खुशियां दे सकते हैं। तो आज ही आप संकल्प करें कि इन समस्त प्रकार की गतिविधियों को मैं आज से ही छोड़ दूंगा। और यदि आपके सामने कोई ऐसी स्थिति पुनः आती भी है तो अपने संकल्प को याद करें कि कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना, कुछ भी हो जाए मुझे किसी को क्रूर वचन नहीं बोलने। और यदि आपने ये संकल्प अच्छे से कर लिया तो आपको जीवन में कभी भी नहीं करना पड़ेगा समस्याओं का सामना। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।